एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट हम इसमें आपको करवाएंगे। इसमें हमें जो लीनियर पेयर दे रखे हैं इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से इसे सॉल्व करना है। तो आपका सॉल्यूशन जो सेकंड वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, अब हम इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। P1 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसे हमने कहा इक्वेशन A कह लो और इसे इक्वेशन बी कह लो। अब हमें सबसे पहले इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इक्वेशन वन से x या y दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन a, हमने a कहा है तो 1 और 2 भी रख सकते हैं आप, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहां से मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ में जो भी प्लस या माइनस में होगा उसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाइए। तो 3x इक्वल टू 10 माइनस का 4y, अभी भी x के साथ में यहाँ पर इनटू में हमें 3 दिखाई दे रहा है तो इसे भी इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये इनटू में है तो जब इसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और इसे इक्वेशन हम क्या कह देंगे, c। आप चाहें तो इसे इक्वेशन 3 भी बोल सकते हैं, 1, 2, 3 जो आपकी मर्जी हो वो रख सकते हैं हम, या ABC। अब हमने क्या करा है कि इक्वेशन ए से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो चूंकि हमने इक्वेशन ए से ये वैल्यू निकाली है तो कहां रख देंगे, इक्वेशन सी में। तो यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन बी, तो ये बी जो इक्वेशन है उसको फर्स्ट टाइम एक वंस टाइम लिख लो, राइट कर लो उसे, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। टू तो वैसा ही रखा हमने, x की जगह पर ये पूरा लिख देंगे हम, इस x की जगह पर 10 माइनस 4y बाय 3, फिर ये वाला माइनस, फिर 2y, फिर ये वाला इक्वल और 2। अब यहां पर क्या दिक्कत आ रही है कि ये जो 3 दिख रहा है ये हमें डिवाइड में दिख रहा है, हम चाहते हैं कि 3 यहां से हट जाए, तो इस 3 से पूरे इक्वेशन में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ये 2 तो पहले ही से था, इसमें 3 का इनटू हो जाएगा, ये पूरा एक टर्म, पूरा वन टर्म है, ये पूरा की पूरा कैसा टर्म है, वन, ये सेकेंड टर्म है और इक्वल के उधर ये अलग टर्म है। तो 10 माइनस 4y बाय 3, हमने इस टर्म में 3 का इंटू कर दिया, फिर माइनस, इसमें भी 3 का इंटू होगा, इस सेकेंड टर्म में भी और इस 2 में भी 3 का इंटू हो जाएगा। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 का इस 10 में इंटू किया तो 2 10 जा 20, फिर 2 का इस माइनस 4y में होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 2 4 जा 8y माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6, 20 माइनस 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y इक्वल टू 6। हमें ये y वाले वेरिएबल वाली वैल्यू को यही रखना है, y वेरिएबल वाली वैल्यू को, और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ रखना है,
तो ये 20 कांस्टेंट टर्म में से उधर ले गए तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब माइनस का 14y है तो जस का तस लिखा, 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 14। y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए इसका साइन माइनस का है। ये दोनों तरफ के माइनस से माइनस कैंसिल, या कह लो कि हमने दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। वो किसी भी साइन से माइनस या प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। ये मैथ्स का एक रूल है, तो हम उसी का यूज कर रहे हैं, कैंसिलेशन रूल भी बोलते हैं इसे। तो वाई इज इक्वल टू 1, हमें वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ पर ये हमारा जो इक्वेशन है केवल टू वेरिएबल में है, एक्स और वाई। तो वाई वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, अब हमें एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाला इक्वेशन कौन सा है, ए बी और सी में से आप देखेंगे कि एक्स वाला इक्वेशन हमें कौन सा दिख रहा है, केवल एक्स वाला इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, सी। तो इस इक्वेशन में हम वाई की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमें इस एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं इसे यहीं पे कर देता हूं, तो यहां लिख देते हैं, ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सी। इक्वेशन सी कौन सा है हमारा, ये रहा, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4y बाय 3। एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4, वाई की जगह पर वाई की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन में 3। एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बाय 3। एक्स इज इक्वल टू 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा 3, 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। इस तरह से हमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमा वाई इज इक्वल टू 1। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया है, अब इसी को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हम उन लिनियर पेयर को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन ए कह दो, इसे इक्वेशन बी कह दो। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिला है वही हमें इसमें भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हमें कोई भी वेरिएबल, या तो एक्स वेरिएबल ले लो या वाई वेरिएबल ले लो, उसका कॉफिशियंट को हमें इक्वल करना रहता है। जैसे यहाँ एक्स का कॉफिशियंट 3 है और यहाँ पर एक्स का कॉफिशियंट 2 है, तो यहाँ का कॉफिशियंट अलग अलग है। यहाँ पर वाई का कॉफिशियंट 4 है, यहाँ पर वाई का कॉफिशियंट -2 है, तो यहाँ भी कॉफिशियंट अलग अलग है। अगर हम यहाँ देखें कि अगर मैं इक्वेशन बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू जा 4x, तो यह हो जाएगा 2 टू जा 4y। तो जो ऊपर बन रहा है वही नीचे भी बन जाएगा, मतलब y के कॉफिशियंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब x की तुलना में y का कॉफिशियंट इक्वल करना ज्यादा आसान हो रहा है। तो हम क्या कर लें कि 2 से इंटू कर दें इक्वेशन बी में, और हमें उसे इसके जैसा कॉफिशियंट बना लें। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन बी, इक्वेशन बी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो जो ए वाला इक्वेशन है वो तो जस का तस लिख लो,
3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसमें हमने इंटू किया, 2 जा 4x, 2 जा 4y और 2 जा 4। ये तो आपका इक्वेशन ए है, और ये बी जो है 2 से मल्टीप्लाई करने पर कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर वाई के जो कोफिशियंट है वो क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो 4 है वो प्लस का है और नीचे वाला जो है माइनस का है, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं, तो हमें इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा। तो हम लिखेंगे ऑन एडिंग, जोड़ने पर तो क्या होगा, 3x और 4x 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। x की वैल्यू निकालना है तो ये 7 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, तो x इज इक्वल टू 2। ये हमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। हमने पहले क्या करा कि x या y वेरिएबल दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशियंट को इक्वल करना रहता है, तो हमने y वेरिएबल के कोफिशियंट को इक्वल किया और इक्वल करने के बाद उसे कैंसिल, उसे क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो दूसरा वेरिएबल बचा है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब जो कैंसिल किया हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ए या इक्वेशन बी किसी में भी इस एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे तो कैंसिल किए गए वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन ए, ए में रख लो या बी में रख लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि अगर हमने इक्वेशन ए से वैल्यू निकाली है तो बी में रखना होता है और बी से निकाली है तो ए में रखना होता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में किसी में भी रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए को फर्स्ट टाइम हम राइट कर लेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस 4 y इज इक्वल टू 10, 3 टू जा हो जाएगा आपका 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y 10 में से 6 गया तो 4 बचा, y इज इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल बचा 1, y इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमें आंसर में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था, मिल चुकी है। आप देखेंगे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 निकाला था, और यहाँ पर भी हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 निकाल रहे हैं, मतलब रिजल्ट सेम रहता है। अब इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट का थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसे हम फर्स्ट टाइम राइट कर लेते हैं। तो 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0 से 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, इस तरह से हमें इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में क्या करें कि इसे दूसरे इक्वेशन की तरह व्यवस्थित कर ले। जैसे हम जानते हैं कि हमने जितने भी सवाल अभी किए सब में कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ रहता है और वेरिएबल वाली वैल्यू इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड रहती है, तो हम यहाँ से 4 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जा करके इजी बना ले या व्यवस्थित कर ले, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। यहाँ पर भी हमको पता है कि x के साथ में y होना चाहिए, तो 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, अब ये ठीक तरह से व्यवस्थित कर लिया है। इसे इक्वेशन हम 1 कह दें, इसे इक्वेशन हम 2 कह दें। अब इसे हम सबसे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सॉल्व फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सबसे पहले -5/5 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो उधर जा करके प्लस का 5/5 हो जाएगा। यहाँ से एक्स के साथ में 3 है तो ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो 4 + 5y / 3, इसे इक्वेशन हमने क्या कह दिया, थर्ड। हमने चूंकि इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू निकाली है तो कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में। तो ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को, ये जो इक्वेशन 2 है इसको वन वन टाइम राइट कर ले, 9x - 2y इक्वल टू 7। 9 एक्स की जगह पर ये पूरा आ जाएगा, 4 + 5y / 3 - 2y इक्वल 7। तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 से ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इस 3 का हमने इस 4 में इंटू किया तो 3 4 जा 12, प्लस इस 3 का इस 5 में इंटू करेंगे, 3 5 जा 15y - 2y = 7। 12 वैसे ही लिखा, 15 में से 2y गया तो कितना बचेगा, 15y में से 2y गया तो 13। बड़ी संख्या प्लस की है तो साइन प्लस का रहेगा, इक्वल टू 7। 13y को ही रखा, 12 को उधर ले गए तो माइनस का हो गया, इक्वल टू 13y। 12 में से 7 गया तो 5 बचा, चूंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो इसका साइन भी माइनस आ जाएगा। y की वैल्यू चाहिए हमें तो ये 13 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 1, 2 और 3 में हमें केवल x वाला इक्वेशन 3 दिख रहा है। तो अगर इस y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे तो हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को आप वन टाइम राइट कर लें, x इज इक्वल टू 4 + 5y = 3, x इज इक्वल टू 4 + 5, y की वैल्यू ये रख दो -5/13 डिवाइडेड बाय 3। मैं इधर कर लेता हूं बाकी का बचा हुआ, x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर प्लस और माइनस इन दोनों का भी इंटू होके क्या हो जाएगा, -5/5 = 25 डिवाइडेड बाय 13। ये फ्रैक्शन पार्ट है तो इसे भी क्या बना लें, फ्रैक्शन पार्ट कर ले, 1 लिख करके अपॉन में और डिवाइडेड बाय 3। ये ऊपर वाले सारे फ्रैक्शन पार्ट में है तो नीचे वाले जो डिवाइड में 3 उसको भी फ्रैक्शन पार्ट बना लें, तो अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 = 54 और इसका इधर इंटू कर लेंगे तो माइनस का 25 13। ये नीचे वाला जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 7, और 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 13 इंटू 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27। तो
एक्स इज इक्वल टू 9/13, हमारे एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन से जो वैल्यू मिली है वो एक्स इज इक्वल टू 9/13 है कॉमा वाई इज इक्वल टू -5/13। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लिया है। अब इसी को हम किससे निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हम इसका यूज करेंगे। हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x-5y=4। हमने चूंकि इस इक्वेशन को इजी कर लिया था तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इस इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉफिशियंट को इक्वल करते हैं। तो देखो इधर यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ भी हम क्या बना लें, 9 बना लें। तो 3 में किसका इंटू करें कि 9 आ जाएगा 3 का, तो ये x कॉफिशियंट इक्वल हो जाएगा। बस हम ये लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से इंटू कर देते हैं, जैसे 3 3 9x, 3 5 15y, 3 4 12। 9x वैसे ही रहेगा, माइनस का 2y भी जस का तस लिखा, 7 भी हमने लिख लिया। यहाँ हमने क्या करा है कि इक्वेशन 1 में 3 से इंटू करके, जैसे यहाँ पर x का कॉफिशियंट 9 था, तो यहाँ भी हमने x का कॉफिशियंट क्या बना लिया है, 9 बना लिया है। तो इस तरह से हमने कॉफिशियंट को इक्वल कर लिया है। अभी ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्टिंग करने पर सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो 7 है ना, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 9x 9x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस का है तो माइनस आएगा। 12 में से 7 किया तो कितना बचेगा, 5। हमें अगर y वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो 5/-13 हो जाएगा। तो ये हमें y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। हमने y की ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन हमारा 3x-5y=4। हम y वेरिएबल की वैल्यू पुट कर लें, 3x-5, y की जगह पर हम क्या रख देंगे, 5/-13, 5/-13 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3x तो ऐसे ही हो जाएगा, -5 5 25 -13 इक्वल टू 4। ये माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 25/13। यहाँ पर क्या आएगा, y की वैल्यू हमने पुट कर दी है 4। हमें यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो हम ये 25/13 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का 25/13, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है तो ये भी फ्रैक्शन पार्ट बना लेंगे इसे भी हम। तो 3x-, यहाँ पर 13 का 4 में इंटू किया तो 52, इसका इधर इंटू किया तो 25, 13 1 जा 13। हमें ये x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 कहाँ चले जाएगा, 13 के साथ में। यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 5 में 3 गया तो 2 बचा, यहाँ जाएगा 13 × 3, ये 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, एक्स इज इक्वल टू 9/13। हमें x वेरिएबल की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, आंसर x इज इक्वल टू 9/13 कॉमा y इज इक्वल टू 5/-13। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारी जो वैल्यू आई थी
वो यही आई थी, आप देख लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 9/13 और वाई इज इक्वल टू -5/13, सेम वैल्यू आई है हमारे पास। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है।